के सहयोग और शामिल हो पा रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सब हमारे इस पल में हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। साक्षी, आज एक विशेष क्लिनिक रखी आपने, कुछ इसके बारे में बताएं। बच्चे आए थे, सामने देख रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी आया। पिछले कई सालों से, कुछ 14-15 सालों से मैं वी केयर से जुड़ी हुई हूँ एज अ वॉलंटियर। ज़्यादा नहीं कर पाती जितना करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाकर या और किसी इवेंट में जाकर बच्चों के साथ या बाकी के कैंसर पेशेंट्स के साथ टाइम बिताती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कुछ खुशी के पल उनके साथ बांट सकूं। उन सब से बहुत प्रेरणा मिली है मुझे, बहुत कुछ सीखा है मैंने ज़िंदगी की अहमियत के बारे में, ज़िंदगी की दंगल के बारे में, और अपने आत्मविश्वास से उसे लड़ने और उसे जीतने के बारे में। तो मुझे लगा कि आज जब मुझे मौका मिल रहा है कि दंगल की स्क्रीनिंग है और मैं इसे किसी के साथ बांटूं, किसी के साथ देखूं, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि मैं उन पेशेंट्स के साथ या उन सर्वाइवर्स के साथ या फिर उन केयर टेकर्स और वॉलंटियर्स के साथ इस पिक्चर को देखूं, जिन्होंने सालों साल अपनी लड़ाई से मुझे प्रेरणा दी है। सो विच इज़ वाई ये एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी दंगल की, वी केयर के पेशेंट्स और सर्वाइवर्स और केयर टेकर्स के साथ। वो लोग बहुत खुश हो गए इंटरवल के बाद। वो लोग मुझे बोल रहे थे, अरे दीदी आप भी हैं पिक्चर में, तो देवर नॉट एक्सपेक्टिंग। उन्हें लग रहा था कि एक पिक्चर दिखाई जा रही है, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। और जब पिक्चर ख़त्म हुई तो सबके सब सामने आके दंगल दंगल डांस कर रहे थे, और उन्होंने 3-4 पोजेस सीखे हुए थे, एंड सबके सब वहाँ पे उन पोजेस को दिखा रहे थे और डांस कर रहे थे। दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैं जब गीता की शादी में उनसे मिली थी तो मैंने उनसे कहा था कि आप जब भी फिल्म देखें आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं आपके रोल को, लड़कियों की लाइफ में जो आपका रोल है उसे पर्दे पे निभा पाई ठीक से कि नहीं। तो अब आप मुझे बता रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। No, it's okay. तो उन्होंने बताया कि जो संघर्ष मैंने किया वो बखूबी आपने अपने हाव-भाव और अपने अभिनय से पूरा जीवित किया। अगर मेरे अभिनय की और हाव-भाव की बात है तो आई थिंक उसका श्रेय मेरे डायरेक्टर नितेश तिवारी जी और राइटर्स को, जिन्होंने इतना खूबसूरत वो कैरेक्टर लिखा, और मेरे सारे सह कलाकारों को जाता है जिन्होंने इतना खूबसूरत अभिनय खुद किया कि मेरा काम अपने आप आसान हो गया। भाई साहब थोड़ा शांति रखें। अरे सुमित जी, आप ये ऐसे बात कर रहे हैं पूछो मत, कहाँ इतना स्पेशल नहीं होगा। चलिए चलिए आप। साक्षी, हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि फिल्म ऐसी है कि जो ऑस्कर्स तक जा सकती है और ऑस्कर की स्तर की है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं तो इस समय सिर्फ इस पल, इस लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोच रही, मैं कल के बारे में भी नहीं सोच रही। रिलीज़ को अभी टाइम है, परसों रिलीज़ है और अभी भी टाइम बाकी है, लेकिन मैं इस समय बिल्कुल, जब आप मेरे रूबरू हुए हैं आप सब, तो मैं बिल्कुल इस पल को एंजॉय कर रही हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रही। और मैं सोचवाना चाहता हूँ आप, नहीं आप अपनी सोच मेरे दिमाग में ड्रिल नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, आई रियली होप सो।
बट राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट. आई एम नॉट टू श्योर इफ इट हैज़ हैपेंड. आई ऑल्सो हर्ड लाइक यू. मैं तो यही कहूँगी कि जब भी कोई अच्छा काम हो और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई मैसेज भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो उतना ही अच्छा है. थैंक यू सो मच दंगल. आप सभी दंगल देखिएगा और मैं चाहती हूँ कि जब तक नया साल शुरू हो तब तक आप लोग कम से कम 2-3 बार देख चुके हों उसे. तो मेरी तरफ से और दंगल की सारी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं. लेट्स दंगल. थैंक यू. और मुझे मुझे I'm quite sure कि सबको बहुत अच्छी लगेगी फिल्म. इट्स रियली नाइस. ओके परफॉर्मेंस से इधर बात करिए तो किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी लगी? सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं. ऐसे ऐसे कोई है नहीं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेहतरीन नहीं है. पर आई थिंक सबकी बहुत बहुत ही बेहतरीन फिल्म एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन. एंड बच्चों के काम के बारे में बोले बहुत. वही मैं कहने वाली थी कि जो छोटे बच्चे हैं उनका तो बहुत ही अच्छा काम है और इतना अच्छा ट्रेन किया है उन्होंने इतनी मेहनत से. ऐसा लगता है सब प्रोफेशनल मतलब जो एक जो लेवल की दिखाई है कॉमनवेल्थ गेम्स या जिस लेवल के इंटरनेशनल लेवल के वो उतना ट्रेनिंग करके इतना अच्छा फाइननेस इतना अच्छा. आप खुद फिल्म देखिए और इन्जॉय कीजिए. वेरी नाइस. चले चले